गिनती के लेखक कौन है इनका नाम है ब्रह्मगुप्त जिनका जन्म पांच नौ आठ सीई में हुआ था इन्होंने आर्यभर जैसे अनेक विभूतियों के कामों को पढ़ा और अनेक आविष्कार किया खेल के प्रत्याशी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे इस सिद्धांत का विकास बड़े पैमाने पर 1950 के दशक में कई विद्वानों द्वारा किया गया डॉट 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 आठ गेम थ्योरिस्ट अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और जॉन मेनाथ स्मिथ को गेम थ्योरी के जीव विज्ञान में प्रयोग के लिए क्रफूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया वास्को डिगामा भारत कब आया था यानी 8 जुलाई चौदह को पुर्तगाली नाविक वास्को गामा भारत की खोज में निकला था वो 20 मई चौदह को केरल के कोझिकोर जिले के कालीकट कैपर गांव पहुंचा था यहीं से कुछ दूर कोची में वास्को की कब्र है भारत की खोज कैसे हुई थी पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई चौदह को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया यहाँ आने के बाद डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज चौदह में वास्को डी गामा ने की गणित की प्राचीनतम शाखा कौन सी है गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है उत्तर सांख्यिकी आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था आर्यभट द्वारा रचित तीन ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है दशगीतिका आर्यभियर और तंत्र लेकिन जानकारों के अनुसार उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा था आर्यभट सिद्धांत गणित की शुरुआत कहां से करें वास्तव में गणित अंक विज्ञान पर आधारित होते हैं जिनसे हम जोड़ घटाव गुना और भाग जैसी मूल चीजों की सीख पाते हैं और ये मूल चीजें हमें अन्य भाषाओं की तरह बचपन में ही दादा दादी मम्मी पापा से ही सीखा दिया जाता है लेकिन जैसे ही आगे की क्लास में जाते हैं हम गणित को समझने के बजाय रटने पर ध्यान देने लगते हैं जिससे आसान से लगने वाले गणित में शून्य का क्या महत्व है शून्य शून्य एक अंक है जो संख्याओं के निरूपण के लिए प्रयुक्त आज की सभी स्थानीय मान पद्धतियों का अपरिहार्य प्रतीक है इसके अलावा यह एक संख्या भी है दोनों रूपों में गणित में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है पूर्णांकों तथा वास्तविक संख्याओं के लिए यह योग का तत्सम कव्यव है घड़ी का निर्माण कैसे हुआ घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्ज़रलैंड के बर्गी ने किया था उनसे पहले जर्मनी के न्यूरम्बर्ग शहर में पीटर हैनलिन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके वर्तमान में हम हाथ में जो घड़ी पहनते हैं वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने बनाई थी पाए की खोज कैसे हुई आधुनिक युग में पाई का मान सबसे पहले 1706 में गणितज्ञ विलिया जोन्स ने सुझाया था हालांकि भारत के सबसे पहले गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पांचवीं सदी में ही पाई के मान का सटीक अनुमान लगाया था आर्यभट्ट ने गणित के श्लोकों में पाई के अनुमान का जिक्र मिलता है आर्यभट्टीय गणितपाद श्लोक दस में उन्होंने इसका जिक्र किया है